डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस सेशन में हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्यूरिफिकेशन में आज हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। सो क्रोमेटोग्राफी, ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी का मतलब जान लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। सो क्रोमेटोग्राफी, एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, क्रोमेटोग्राफी इज व्हाट, ग्रीक वर्ड। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा मींस व्हाट, कलर, एंड ग्राफी मींस राइटिंग। सो एक क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड ग्राफी इज नथिंग बट राइटिंग। ओके, सो एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी हम पहले प्लांट पिगमेंट सेपरेट करने के लिए यूज किया करते थे। ओके, सो वी क्रोमेटोग्राफी, दिस टेक्निक वी आर यूज टू सेपरेट द डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स। आपको पता है प्लांट में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल होता है, जैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है। सो ऐसे पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते थे। बट नाउडे क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक। तो अब हम किस चीज के लिए यूज करते हैं इसको, वी कैन यूज टू सेपरेट आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों। ओके, अगर कोई भी कंपाउंड आपको प्यूरिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको सेपरेट करना है, तो नाउडे दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू बी यूज्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी जो जो भी इसका प्रिंसिपल है वो आपको समझ में लेना है। क्रोमेटोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, उसका प्रिंसिपल आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आपको क्रोमेटोग्राफी इजीली समझ में आएगा। तो देखो, मैं अभी सिंपल से आपको बताऊंगा क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। ओके, क्रोमेटोग्राफी में जनरली बच्चों दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मूविंग फेज। ओके, तो अभी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ, जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो हम एक छोटा सा बीकर ले लेते हैं। ओके बच्चों, एक छोटा सा बीकर लिया और इसमें मैंने क्या लिया, वाटर। ओके, वी टेक द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया, समझ में आ रहा है। सो वी टेक द वाटर इनसाइड दिस बीकर और इसी वाटर में मैं क्या करता हूँ, अभी एक छोटा सा चॉक पीस डिप करता हूँ, दिस चॉक। ओके, सो वी जस्ट डिप इनसाइड दिस वाटर। ओके, सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस केस बच्चों, सो क्या आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा, जब आप एक चॉक पीस वाटर के अंदर, मीन्स एक छोटे बीकर के अंदर आप इंसर्ट कर देते हो, लाइक दिस, ऐसे आप इंसर्ट कर देते हो, तो क्या आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेगा इसमें। ओके, सिंपल तरीका है, यहाँ पे वाटर जो है इट एक्ट एज ए मूविंग फेज। कौन सा फेज करके एक्ट करेगा, ये मूविंग फेज। ओके, और ये जो चॉक पीस है, सो दिस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। ये क्या एक्ट करेगा, स्टेशनरी फेज। ओके, सो दिस इज अ चॉक पीस, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो सिंपल फिनोमेना होगा, यहां पे जब आप एक चॉक पीस वाटर के अंदर यहां पे ऐसे रख दोगे, तो सिंपल है, ये जो वाटर है, वाटर विल रन ओवर द सरफेस ऑफ दिस चॉक पीस। होगा या नहीं होगा, यस, श्योर। सो दिस वाटर विल मूव ओवर द सरफेस ऑफ दिस चॉक पीस। नाउ दिस चॉक एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज एंड दिस वॉटर एक्ट एज ए मूविंग फेज। सो वॉट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, दिस मूविंग फेज, यानी कि वॉटर विल मूव और विल रन ओवर द सरफेस ऑफ दिस चॉक पीस। तो क्या हुआ, मूविंग फेज स्टेशनरी के स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या हो रहा है, मूव होते जा रहा है। सो यही प्रिंसिपल हमें क्रोमेटोग्राफी में यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद में रखना है, क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं, एक होता है मूविंग फेज। ओके, सो मूविंग फेज जनरली बच्चों कौन से स्टेट में होता है, इट मे बी लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये याद में रखना है आपको, मूविंग फेज लिक्विड और गैस फेज में होता है, और दूसरा होता है आपका स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो स्टेशनरी फेज है, जनरली स्टेशनरी फेज आर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड और लिक्विड फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सो इसमें दो फेजेस होते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, एक होता है मूविंग फेज और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। मूविंग फेज जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है और गैसेस फॉर्म में होता है, और स्टेशनरी फेज जनरली सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है।
सो ये हुआ आपका मैकेनिज्म, ओके, ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और यही प्रिंसिपल आपको अप्लाई करके क्रोमेटोग्राफी समझ के लेना है। तो अभी हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे बच्चों इन डिटेल्स में, ओके। सो जनरली क्रोमेटोग्राफी जो होता है दो टाइप्स के आते हैं क्रोमेटोग्राफी, ओके, एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन का मतलब आप समझ रहे हो, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, आपको एब्जॉर्प्शन पता होगा, यस, एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है देर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, उसको हम एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कौन सा है, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो इसमें बच्चों एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप्स आ जाते हैं यहां पे, एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन में एक आता है उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पहले हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में, ओके। कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ओके। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये मैं यहां से मिटा देता हूं तो आपको थोड़ा डायग्राम्स की तरह से मैं समझा सकूं, ओके। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो आपको नाम से ही समझ में आया होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज कर सकते हैं यहां पे, ओके। कॉलम के जैसा कोई छोटा सा अपैरेटस यूज करेंगे, सो वी कैन सी इज अ कॉलम, ओके। सो आपने लैब में बीकर ब्यूरेट देखा ही होगा, सो ब्यूरेट की तरह एक ग्लास अपैरेटस होता है, उसे हम कॉलम बोलते हैं, ओके। मैं यहां पे आपको रफली ड्रॉ करके दिखाता हूं, सो दिस इज व्हाट कॉलम्स, ओके। सो जैसे आपने ब्यूरेट देखा है उसी तरह से अपैरेटस होता है, यहां पे उनका टैप होता है, ओके। सो दिस इज योर व्हाट कॉलम, सो एक ग्लास अपैरेटस होता है, छोटा सा अपैरेटस होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम्स। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो मैंने प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिया है अभी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको यहां पे एड्सॉर्बेंट आपको यहां पे फिल करके लेना है। एड्सॉर्बेंट आपको क्या लेना है, देखो सिंपल, आपको यहां पे सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल की स्लरी बना के लेनी है। सिलिका जेल आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके उसकी स्लरी हमको बना के लेना है। और अगर आपके पास सिलिका जेल नहीं है तो आप एल्यूमिना जेल भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली देखो बच्चों, हम मैंने एक कॉलम लिया छोटा सा, तो इसमें अभी मैं क्या करता हूँ, सिलिका और एल्यूमिना जेल की स्लरी बनाता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे कॉटन प्लग ऐड कर देता हूँ, ओके, कॉटन। तो इसका ये थोड़ा सा एड्सॉर्प्शन को, जो भी एड्सॉर्बेंट हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। सो दिस इज अ कॉटन प्लग, कॉटन वूल वी कैन से, और कॉटन प्लग। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, यस, वी कैन फील द सिलिका जेल, इसमें सिलिका जेल मैं भर रहा हूं पूरा यहां तक, सो वील फील द सिलिका जेल, सिलिका जेल, सो दैट इज एक्ट एज ए एड्सॉर्बेंट। तो यहां पे मैंने क्या भर दिया, सिलिका जेल, ओके, एक स्लरी के फॉर्म में हम बना देंगे इसको, और इसमें इस ग्लास ट्यूब में फिल कर देंगे, इट एक्ट एज ए एड्सॉर्बेंट, क्या होगा ये, एड्सॉर्बेंट, ओके। तो नाउ अभी जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा सेपरेट करने के लिए, सपोज मैं समझता हूं आपको एक बीकर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया है, ओके, समझ लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए बी सी, ऐसे तीन कंपाउंड्स आपको दिए हैं और आपको सेपरेट करने हैं। तो क्या करना है आपको, ये जो तीनों भी कंपाउंड है ए बी सी, ओके, सो ये तीनों की एड्सॉर्बिलिटी अलग अलग होती है। सो ए इज अ स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल, बी इज लेस एड्सॉर्बेबल एंड सी इज वीकली एड्सॉर्बेबल। ऐसे तीन कंपाउंड को आपको एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके लेना है, ओके, विल टेक दिस सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में इसको क्या कर लिया हमने, डिजॉल्व कर लिया और इसका एक सॉल्यूशन बना लिया, एंड नाउ दिस सॉल्यूशन वी कैन पोर इनसाइड दिस कॉलम। तो इस कॉलम के अंदर आपको ये छोड़ देना है, वी हैव टू पोर दिस
मिक्सर. ओके, सो जो मिक्सचर आपको सेपरेट करना है वो क्या किया हमने, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको हमने डिसॉल्व कर लिया, और वही मिक्सचर वी हैव टू ऐड इन कॉलम्स. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे मैंने सिलिका जेल फिल करिए दैट एक्ट एज एडसॉर्बेंट. ओके, सो ये एडसॉर्बेंट हुआ, और यहाँ पे मैं यहाँ तक दिखाता हूँ. अब ये जो मिक्सचर है, सो वील पोर दिस मिक्सचर. इस मिक्सर में क्या होगा, सॉल्वेंट रहेगा, और जो भी मिक्सर है आपका ए प्लस बी प्लस सी रहेगा. ओके, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम्स, बाद में आपको देख लेना. ओके, मिक्सर है, इसमें सॉल्वेंट रहेगा, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी रहेगा. तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो बच्चों, जो भी स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल है, मैंने बताया आपको ए इज स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल, तो सिंपल होगा यहाँ पे, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो गए बैंड्स. तो मैं यहाँ पे अलग और एक डायग्राम्स निकाल के दिखा देता हूं आपको. ओके, सेम कॉलम, ओके, यहां पे टैप आएगा. सो यहां पे हमने क्या फिल करा था, यहां तक ये जो मिक्सर है. ओके, सो दिस मिक्सर प्लस सॉल्वेंट, जिसमें ए बी सी टी कंपोनेंट था, और यहां पे हमने फिल करा था, क्या फिल करा था यहाँ पे, सिलिका जेल. यहाँ तक आपका कॉटन प्लग था, कॉटन प्लग. ओके, और इसमें हमने फिल करा था सिलिका जेल. अभी क्या ऑब्जर्व होगा, देखो बच्चों, वेरी सिंपल टर्म है यहाँ पे. जैसे ही आप ये मिक्सचर ए बी सी इसमें कॉलम में ऐड करोगे, तो इसमें मैंने बताया कि मॉलिक्यूल ए बी एंड सी है, जो तीन कंपोनेंट है, तीनों का एड्सॉर्बिलिटी डिफरेंट रहेगा. तो ए इज स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल, बी इज लेस एड्सॉर्बेबल, एंड सी इज वेरी वीकली एड्सॉर्बेबल. तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे ही इस सिलिका जेल में हम पोर करेंगे, तो क्या होगा, जो स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल है, जो स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल है, वो टॉप में ही यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दिस इज ए मॉलिक्यूल्स. ओके, एट द टॉप दैट विल बी एड्सॉर्ब बिकॉज इट इज अ स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल. उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका बी मिलेगा, बी थोड़ा सा वीकली एड्सॉर्बेबल है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको, बीस कंपोनेंट. और सबसे वीकली एड्सॉर्बेबल जो आएगा वो आएगा आपका सी, तो मैं एट द बॉटम दिखा देता हूं उसको सी. सो इस तरह से आपको तीन बैंड मिलेंगे. ओके, जो स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल कंपाउंड है वो टॉप में एड्सॉर्ब करेगा, जो थोड़ा सा लेस एड्सॉर्बेबल है वो बीच में यानी कि सेंटर में एड्सॉर्ब करेगा, और जो वेरी वीकली एड्सॉर्बेबल है दैट विल कम एट द डाउन ऑफ द बॉटम्स. सो अभी आपको ये सेपरेट करके लेना है, तो आपको क्या करना है, इसी में आपको सॉल्वेंट ऐड करना है. ओके, सो यू ऐड द सॉल्वेंट. एक छोटा सा आपको यहाँ पे बीकर लेके रखना है, कीप वन बीकर हियर. तो सिंपली देखो बच्चों क्या होगा, जो स्ट्रांगली एड्सॉर्बेबल है एट द टॉप रहेगा, जो वीकली एड्सॉर्बेबल है मिडल में रहेगा, और जो वेरी वीकली एड्सॉर्बेबल है एट द बॉटम आ जाएगा. तो जैसे ही आप सॉल्वेंट ऐड करोगे इसमें, जो वीकली एड्सॉर्बेबल है, तो ये जैसे हम इस टैप को खोलेंगे, ओके सिंपली, तो ये टैप से निकलेगा तला नीचे, जो सी कंपाउंड हम सेपरेट कर लेंगे, और जैसे ही सी नीचे आ जाएगा बंद कर देंगे इसको, वापस दूसरा बीकर ले लेंगे, और इस टैप को तो बंद कर देंगे, सी निकाल लिया हमने, वापस और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल दो, जैसे कि बी थोड़ा सा एड्सॉर्बेबल है, स्ट्रांग है इस ए से भी, सी से भी, तो इस बी को हमको नीचे निकालना है, तो और 100-200 ml सॉल्वेंट आपको ऐड करना है, तो वो भी बी भी आपका नीचे निकल जाएगा. ओके, और बी निकल गया तो दूसरा बीकर चेंज कर दो, वापस सॉल्वेंट ऐड करो, वापस आपको क्या निकलेगा, सी कंपोनेंट. सो इस तरह से आपको ए बी सी तीनों भी आप सेपरेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर एड्सॉर्बिलिटी. सो आपको समझ में आया होगा. सो ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, वेरी सिंपल टेक्निक है. आपको यहाँ पे कॉलम लेना है, और उस कॉलम में सिलिका जेल फिल करनी है. इट एक्ट एज ए सिलिका जेल क्या एक्ट होता है यहाँ पे, इट एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, राइट, इट एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज. सिलिका जेल यानी कि एड्सॉर्बेंट एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, और ये जो भी सॉल्वेंट आपने यूज किया था मिक्सर में दैट एक्ट एज ए मूविंग फेज. तो मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया है, तो मूविंग फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होता है. सो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होगा, सो ये कैपिलरी रिएक्शन ही होगा, ऊपर से नीचे सॉल्वेंट रन होगा. ओके, तो टीएलसी में हम देखेंगे सॉल्वेंट क्या होगा, सो नीचे से ऊपर कैपिलरी रिएक्शन होगा, वो हम दिखाएंगे टीएलसी में. तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. तो हमने क्या किया था, एक कॉलम लिया, और एक बार जस्ट रिव्यू दे देता हूँ. एक कॉलम्स लिया हमने, इस कॉलम में हमने क्या फिल किया, सिलिका जेल दैट एक्ट एज एड्सॉर्बेंट एंड
कॉटन प्लग यहाँ पे हमने डाल दिया, इट कैन सपोर्ट द एब्जॉर्बेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो भी कंपोनेंट आपको दिया था ए बी सी, एक सॉल्वेंट में हमने उसको डिजॉल्व कर लिया, ए बी सी। ओके, सिंपल है, ए बी सी एक कंपोनेंट लिया और उसको एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके लिया, एंड देन नाउ पोर दिस सॉल्वेंट इनसाइड दिस कॉलम। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, इसमें जो भी स्ट्रांगली एब्जॉर्बेबल है वो एट द टॉप एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और थोड़ा सा लेस एब्जॉर्बेबल है थोड़ा नीचे आ जाएगा, और उससे भी वीक है वो उससे भी नीचे एट द बॉटम आ जाएगा। इस तरह से आपको ये तीन बैंड मिल जाएंगे। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्वेंट ऐड करना है इसमें। सॉल्वेंट जैसे ऐड करोगे आप, जो भी लेस एब्जॉर्बेबल वीकली एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है वो नीचे आ जाएगा। ये टैप जैसे ही खोलोगे तो वीकली एब्जॉर्बेबल आपको सेपरेट करना है, वापस दूसरा भी कर लेना है, वापस भी नीचे आ जाएगा, और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद वापस ए। इस तरह से आपको कंपोनेंट ए बी एंड सी आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के इजीली सेपरेट कर सकते हो। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। ओके, सो दोनों थोड़ा कंपेरेबली पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो सेकेंड टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सो इसको हम टीएलसी के नाम से भी जानते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो सेम प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होता है, जैसे कि मैंने बताया जो दो फेज होते हैं इसमें, स्टेशनरी फेज होता है और मूविंग फेज होता है। तो क्या होता है, जनरली मूविंग फेज विल रन ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। तो यहां पे देखो बच्चों, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही आसान तरीका है, आपको सबसे पहले एक ग्लास प्लेट ले लेना है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। ओके, लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ग्लास स्लाइड मैंने लिया यहां पे ग्लास स्लाइड, आपके देखा होगा ग्लास स्लाइड। यस, जनरली हम ब्लड टेस्ट के लिए यूज करते हैं ना ग्लास स्लाइड, ग्लास प्लेट, छोटा सा ग्लास प्लेट रहता है, सो वी आर यूजिंग फॉर ब्लड टेस्ट। तो वैसा ही सेम ग्लास प्लेट आपको ले लेना है। ओके, सो एक ग्लास प्लेट लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे एडजॉर्बेंट स्प्रे करना है। एडजॉर्बेंट यानी कि सिलिका जल, एक छोटे से बीकर में आपको सिलिका और एल्यूमिना जेल की स्लरी बना के लेनी है, सिलिका जल। ओके, इसकी हम क्या बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे। सो ये जो स्लरी है, सो ये क्या करेंगे, हम इस ग्लास प्लेट के ऊपर स्प्रे कर देंगे। वी कैन स्प्रे दिस सिलिका जल ओवर द सरफेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट। तो यहां तक तो समझ में आया, सबसे पहले व्हाट वी शुड टेक, वी कैन टेक वन ग्लास प्लेट। ओके, एंड नाउ वी मेक अ स्लरी ऑफ सिलिका जल, एंड नाउ स्प्रे दिस सिलिका जल ओवर द सरफेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट। ओके, यहां तक समझ में आया। सो नेक्स्ट में क्या करना है अभी, सो फ्रॉम बॉटम से आपको 2 सेंटीमीटर अबाउ वन बेस लाइन ड्रॉ करके लेना है। सो नाउ यू कैन ड्रॉ द बेस लाइन फ्रॉम बॉटम 2 सेंटीमीटर अबाउ, सो इसको हम बेस लाइन कहेंगे, बेस लाइन। सो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, जो भी आपको कंपाउंड सेपरेट करने के लिए दिया है, जो भी मिक्सचर आपको दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए, तो उस मिक्सचर को आपको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके लेना है। सो नाउ वी हैव टू डिजॉल्व दैट मिक्सचर इन वन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक छोटा सा बीकर ले लेना है, उसमें जो भी सॉल्वेंट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट लेना है और वो मिक्सचर यहाँ पे डिजॉल्व करके लेना है। ये जो भी सॉल्वेंट रहेगा, ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा, एक ड्रॉपर की हेल्प से, एक ड्रॉपर लो या कुछ भी आप दूसरा अपैरेटस लेके, इस जो भी हमने एक ग्लास स्लाइड बनाई है, इस ग्लास स्लाइड को पहले हम सिलिका जेल स्प्रे कर देंगे, उसके बाद बेस लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद इसको ड्राई करेंगे, ड्राइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दिया हुआ, वो जो मिक्सचर का सोल्यूशन है 2 to 3 drops एट द सेंटर ऑफ दिस ग्लास प्लेट आपको पुट करना है। ये जो बेस लाइन दिख रहा है इसके सेंटर में, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो मिक्सचर है यहाँ पे 2 to 3 drops यहाँ पे पुट करा। सो उसके बाद आपको एक ग्लास जार लेना है, ग्लास जार। ओके, ग्लास जार सिंपल सा होता है, एक ग्लास जार ले लिया विच कंटेन द सॉल्वेंट, और इस ग्लास जार में, सो नाउ वील कीप दिस ग्लास लाइट इनसाइड दिस ग्लास जार। यहाँ तक आपका बेस लाइन था, यहाँ पे आपने स्पॉट डाला था मिक्सर का। ओके, यहाँ पे दिखा दिया मैंने, ये आपने सिलिका जेल यहाँ पे स्प्रे करी थी, सो एज इट इज। तो इसमें आपको इस ग्लास जार में क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। तो मैं सॉल्वेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सो दिस इज योर सॉल्वेंट। ओके, दिस इज अ ग्लास जार। ओके बच्चों, एंड दिस इज अ सॉल्वेंट।
तो आपको समझ में आया होगा भी ये सॉल्वेंट क्या एक्ट होगा यहाँ पे, मूविंग फेज। सॉल्वेंट क्या एक्ट होगा, मूविंग फेज, ये मूविंग फेज करके एक्ट होगा। और ये जो भी ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर हमने सिलिका स्प्रे करे है, दिस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, दिस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। समझ में आ रहा है, स्टेशनरी फेज वेरी सिंपल फिनोमिना है। सो इसको हमें ऐसे ही लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, कीप इट लॉन्ग टाइम एज इट इज। तो क्या करा हमने, ग्लास प्लेट रेडी किया, मिक्सर का स्पॉट उस पर डाला और एक ग्लास जार लिया विच कंटेनिंग द सॉल्वेंट, एंड नाउ कीप दिस ग्लास लाइट इनसाइड दिस, दिस इज अ ग्लास लाइट कंटेनिंग व्हाट, मिक्सर प्लस सिलिका जेल, ग्लास लाइट लिया था। सो यहाँ पे हमने ग्लास लाइट रख दिए और ये सॉल्वेंट है। तो अभी मैंने प्रिंसिपल आपको बताया था, क्या होता है जनरली मूविंग फेज विल रन ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या है, स्टेशनरी फेज तुम्हारा ये ग्लास प्लेट है, स्टेशनरी फेज व्हाट, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट प्लस सिलिका जेल, दिस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। समझ के लेना अच्छे से, ग्लास प्लेट प्लस सिलिका जेल, दिस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो मूविंग फेज है, सॉल्वेंट है, इस स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होता दिखेगा आपको। ओके सो मैंने बताया चौक का एग्जाम्पल आपको बताया था। सो सिंपल तरीका है, ये जो हमने एक पोरस मीडियम रेडी करके लिया, ओके सो इसके ऊपर अभी क्या होगा, इस जो भी मूविंग फेज है, स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होगा, मीन सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट आपने लिया है इसके ऊपर रन होगा, ये तो सिंपल है। ओके सो ये जैसे ही रन होगा उसके साथ ये जो हमने स्पॉट डाला था मिक्सर सेपरेशन के लिए, ओके ये स्पॉट भी ऊपर रन होगा, स्लोली रन होगा, हो गया नहीं होगा। ओके सिंपल तरीका है, जैसे ही वाटर ऊपर जाएगा, जैसे ही सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, ये जो स्पॉट डाला था वो भी ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ये दिखेगा नहीं, ओके बिकॉज इट इज अ कलरलेस। आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स के बाद जब भी आप इस ग्लास लाइट को क्या करना है, बाहर निकालना है, यू रिमूव दिस ग्लास प्लेट आउटसाइड द ग्लास जार। तो ये आपका ये पहले बेस लाइन था, यहाँ तक आपने सिलिका जेल स्प्रे करी हुई थी। ओके तो देखो सिंपल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ। ओके तो ये ग्लास प्लेट मैंने बाहर निकाल दिया। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये कुछ स्पॉट अभी दिखने को नहीं मिलेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर आयोडीन और निनहाइड्रिन सॉल्यूशन स्प्रे करो या निनहाइड्रिन सॉल्यूशन स्प्रे कर दो, इसके ऊपर स्प्रे करना है आपको। ओके दिस इज एक्ट एज ए इंडिकेटर्स, तो ये कलरलेस होता है, जैसे ही आप आयोडीन और निनहाइड्रिन इसके ऊपर स्प्रे करोगे तो आपको कुछ स्पॉट दिखने को मिलेंगे। ये मिक्सचर स्पॉट यहाँ पे दिखेगा और ये आपका सॉल्वेंट का स्पॉट यहाँ पे दिखेगा। तो सॉल्वेंट थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा ना, सॉल्वेंट फ्रंट बोलेंगे हम उसको, और वी कैन सी द सॉल्वेंट स्पॉट भी बोल सकते हैं इसको, या सॉल्वेंट फ्रंट भी बोल सकते हैं। और ये हुआ तुम्हारा मिक्सर का स्पॉट, जो हमने मिक्सर लिया था, तो ये कलर स्पॉट दिखेंगे आपको। ओके जैसे ही जो भी आपने कंपाउंड्स लिया है, जो भी कलर उसका रहेगा, ऑरेंज, रेड, येलो, वट एवर इट हैव, तो वो कलर यहाँ पे डेवलप होगा। कब डेवलप होगा, जैसे कि हम आयोडीन इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। इस ग्लास प्लेट को बाहर निकालना है, इसको ड्राई करना है, एंड नाउ वी कैन स्प्रे द आयोडीन और निनहाइड्रिन सॉल्यूशन ओवर दिस ग्लास प्लेट। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, यू कैन गेट अ टू डिस्टिंक्ट स्पॉट, वन मिक्सचर स्पॉट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सॉल्वेंट स्पॉट मिलेगा। अभी आपको क्या करना है बच्चों, सो आपको इसकी RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है, RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर। सो RF वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो द सॉल्वेंट रन फ्रॉम द बेस लाइन, और वी कैन से द मिक्सचर रन फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट रन फ्रॉम द बेस लाइन। सो इस बेस लाइन से ये मिक्सचर आपका कहाँ तक रन हुआ है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए इसने, ओके और सो इसको हम और द सॉल्वेंट रन फ्रॉम द बेस लाइन, ये सॉल्वेंट यहाँ तक रन करें, सपोज इसको हम एक्स बोलेंगे, सॉल्वेंट जो भी है ये बेस लाइन से यहाँ तक रन किया उसने, यहाँ तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स। और ये मिक्सचर स्पॉट है, सो वो बेस लाइन से यहाँ तक रन करे, ये इसको हम बोलेंगे वाई। ओके तो RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज बेस लाइन से तुम्हारा सॉल्वेंट यहाँ तक रन करा है, सो दैट डिस्टेंस वी कैन मेजर करना है बाय यूजिंग स्केल, यहाँ आपका एक्स है, 1 सेंटीमीटर वी कैन कंसिडर, और ये जो सॉल्वेंट है वो वाई सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप RF वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड RF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ही आप ग्लास प्लेट को बाहर निकाल लेते हो, बेस लाइन से जितना डिस्टेंस तुम्हारा सॉल्वेंट रन करता है वो डिस्टेंस मेजर करके लेना है और वो डिस्टेंस लिख देना है, और बेस लाइन से आपका स्पॉट कितने डिस्टेंस तक गया है वो डिस्टेंस आपको मेजर करके लिख देना है। दैट मीन्स
RF इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन. इस बेसलाइन से तुम्हारा सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट मिक्सचर स्पॉट. ओके, सो इस तरह से आप RF वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. एक बार जस्ट रिव्यू कर देंगे हम. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या किया था हमने, एक ग्लास प्लेट लिया था सिंपल. ओके, ग्लास प्लेट लिया, उसके ऊपर सिलिका जेल की स्लरी बना दी हमने एक छोटे से बिकर में. एंड नाउ स्प्रे दिस सिलिका जेल स्लरी ओवर दिस सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट. सिंपल है, उसको ड्राई कर देंगे 10 मिनट के लिए. उसके बाद एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से. नाउ वी कैन ड्रॉ द बेस लाइन फ्रॉम बॉटम, 2 सेंटीमीटर अबव एक बेस लाइन ड्रॉ करके लेना है आपको. ओके, अच्छे से समझ के लो. एक ग्लास प्लेट लिया, एक सिलिका जेल पाउडर फॉर्म में होता है, एक सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व कर लिया, एक स्लरी बना ली और इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया. उसके बाद क्या करें, बेस लाइन ड्रॉ कर लिया, सिंपल तरीका है. उसके बाद इसे ड्राई कर देना है और जो भी कंपोनेंट आपको सेपरेशन के लिए दिया है, आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व करके लेना है. ये मिक्सचर ही है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैंने इसको डिजोल्व कर लिया, इसका सॉल्यूशन बना के लिया और ये सॉल्यूशन 2 or 3 drops आपको बेस लाइन के सेंटर के यहाँ पे पुट करने हैं और इसको भी थोड़ा ड्राई करके. नाउ कीप दिस ग्लास प्लेट इनसाइड द ग्लास जार विच कंटेनिंग द सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट भरा हो पहले से. ओके, इस सॉल्वेंट में आपको रख देना है कॉन्स्टेंट. ओके, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है. एक डिपेंड अपॉन द कंपाउंड, यू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे आप ऐसे रखोगे इसको तो आपको एक कैपिलरी रिएक्शंस मिलेगा. यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्ट एज ए मूविंग फेज, ये मूविंग फेज करके एक्ट होता है. और ये जो ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल स्प्रे करिए, वो दिस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज. ये जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट इस स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होगा. सो सॉल्वेंट विल मूव, सॉल्वेंट विल परकोलेट ओवर द सर्फेस ऑफ स्टेशनरी फेज. जैसे ही सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, उसी के साथ ये जो स्पॉट हमने यहाँ पे डाले थे, सो दैट ऑल्सो विल मूव अपर साइड. तो ये आपको देखने को मिलेगा और बाद में आपको लॉन्ग टाइम के बाद इस ग्लास लाइट को निकाल के लेना है बाहर. आपको तब कुछ स्पॉट नहीं दिखेगा. जैसे ही आप इसको ड्राई करोगे और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन और निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, ये इंडिकेटर होता है बच्चों, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है. देन यू गेट अ डिस्टिंक्ट स्पॉट, यहाँ पे आपके कुछ कलर स्पॉट मिलेंगे. सो इस कलर स्पॉट का आपको डिस्टेंस मेजर करना है, RF वैल्यू कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बेस लाइन. इस बेस लाइन से आपका सॉल्वेंट कहां तक रन हुआ और बेस लाइन से आपका ये स्पॉट कहां तक रन हुआ. सिंपल तरीका है, बहुत इजी तरीका है. ओके, सो लाइक दिस वी कैन सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पेपर क्रोमेटोग्राफी देखेंगे. तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका नोट आप बनाए और नोटबुक में लिख दें. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी.